বাজারে ইতিমধ্যে স্কুটির চল একটু বেড়ে গিয়েছে। ছেলে থেকে মেয়ে প্রত্যেকে স্কুটি কিনতে পছন্দ করেন। মূল উদ্দেশ্য অত বাইকের মতো ঝঞ্ঝাট নেই, স্কুটিতে বসে কন্ট্রোল করা যাবে সবকিছু। আর এই স্কুটি চাহিদা দেখে বহু কোম্পানি বানিয়ে ফেলেছে নতুন নতুন স্কুটি। তার মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত স্কুটি লঞ্চ হয়ে গেল কলকাতায়, এপ্রিলা SXR 160। ভারতবর্ষে এই স্কুটি বেশ কিছুদিন আগে লঞ্চ হয়ে গেছে, তবে কলকাতাতে লঞ্চ হলো বুধবার দিন। এই স্কুটিতে রয়েছে দারুণ স্পেসিফিকেশন সহ অসাধারণ ডিজাইন, তাই স্কুটির জন্য অপেক্ষায় ছিলেন স্কুটি প্রেমীরা। এপ্রিলা SXR 160 স্কুটিতে রয়েছে 160cc সিঙ্গেল সিলিন্ডার, 3 valves, এয়ার কুল ইঞ্জিন। এছাড়া স্কুটিতে ব্যবহার করা হয়েছে অত্যাধুনিক ফুয়েল ইঞ্জেকশন প্রযুক্তি। তবে আগের মডেলের স্কুটির তুলনায় স্কুটির ওজন 6 থেকে 7 কেজি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই স্কুটির সামনে এবং পিছনে উভয় দিকে ব্যবহার করা হয়েছে ডিস্ক ব্রেক। এই স্কুটিতে বসা ব্যক্তির সামনে যাতে হাওয়া বেশি না লাগে তার জন্য সামনে থেকে রয়েছে এটি শক্ত গ্লাস। এছাড়া স্কুটিতে রয়েছে নানা ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এই স্কুটির দাম পশ্চিমবঙ্গে এক শোরুম শুরু হচ্ছে 1,29,000 টাকা থেকে। एक तो इसमें 160cc का इंजन है जिससे सबसे ज़्यादा पावर मिलता है 11 PS का, और टॉर्क सबसे ज़्यादा है 11.6 PS का। इसका जो व्हील बेस है वो सबसे बड़ा है, इसमें 12 इंच का टायर है, 12 इंच का अलॉय व्हील है, सबसे वाइड टायर है। तो इसमें एक तो सबसे ज़्यादा स्टाइल है, उसके साथ में परफॉर्मेंस है, और एक राइडर के लिए और जो पीछे बैठते हैं राइडर के साथ में जो पिलियन राइडर हैं उनके लिए सबसे अच्छा कम्फर्ट है, क्योंकि उनके लिए जो सीट बनी है, जो डिज़ाइन है काफ़ी एग्रोनॉमिक डिज़ाइन है, उनके कंफर्टेबल लेग रूम के लिए, पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, जो सीट सबसे बड़ा है, उनके लिए जो सस्पेंशन बना है रेयर सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल है सो दैट उनको कंफर्टेबल रहे। तो जो इंडियन रोड्स हैं, जो इंडियन ट्रैफिक है, उसमें वो अच्छे से गाड़ी को मनूवर कर सकें, उस पर स्टेबिलिटी मिल सके, हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी मिल सके। तो ये सारे फीचर्स का ध्यान रखा है इंडियन लोगों के को देखते हुए, यहाँ के रोड कंडीशन को देखते हुए, उनकी चलाने की के जो जो तरीका है और उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको देखते हुए ये पहला प्रोडक्ट है जो अप्रिलिया ने डिज़ाइन इंडिया के लिए किया है। इटली में डिज़ाइन हुआ है बट इंडिया के लिए डिज़ाइन हुआ है, और केवल इंडिया के लोगों नहीं, क्योंकि अभी आप देखें कि अभी तक हम क्या होता है कि स्कूटर 100cc 110cc का स्कूटर होता है। हमने जब वेस्पा और दूसरा अप्रिलिया का जब मॉडल लाया तो हमने 125cc का स्कूटर सेगमेंट लॉन्च किया। अब आप देखें कि सारे जो इंडिया में ये 125cc का स्कूटर काफ़ी बढ़ चुका है सेगमेंट। अब बाकी जो ब्रांड्स लें वो भी 125cc में अब आ चुके हैं। हमारा मानना ये है कि 160cc, क्योंकि ये जो स्कूटर है ये ड्यूअल पर्पज़ है, जो स्कूटर का जो सिटी राइड के लिए है, प्लस यदि आपको वीकेंड लॉन्गर राइड्स लेना है, जो कंफर्टेबल राइड्स लेना है, उसके लिए भी ये अवेलेबल है। इसलिए 160cc गिव्स दैट, वो परफॉर्मेंस देता है, वो पावर देता है, वो परफॉर्मेंस देता है। इसलिए हमारा ये मानना है कि इंडिया मार्केट। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।